देखिए काफी आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन काफी आसान है। लेकिन आप थोड़ा सा इसे आपके देखने का नजरिया आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को हम देख के क्या सोच रहे हैं और कैसे हम लोग इसमें डेरिवेटिव देख पा रहे हैं। खैर, ये हो जाएगा साइन ऑफ टैन इनवर्स एक्स की पावर 4, और हम इसको लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर 8 को लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर 4 का पावर 2 हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब है, ठीक है, और ये डी एक्स हो गया। अब देखिए, अगर हम इसे कह रहे हैं ये जी एक्स है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ चेन रूल लगेगा, एक्स की पावर 4 का भी डेरिवेटिव होगा जो 4x³ आएगा, तो यहाँ 4 मिसिंग है। हम वो पार्ट कंप्लीट करते हैं, 1 बाई 4 कर लेते हैं। तो अगर ये जी एक्स है तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपका? जी डैश एक्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि हम इसे ये कौन सी डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो कि सिर्फ साइन का हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, और जो भी अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, तो माइनस 1 बाई 4 कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।